तो देखते हैं नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी डिफिनेशंस होंगे वो सब के आप सब के सब इम्पोर्टेंट होंगे और आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। तो 9th वाले और 10th वाले इसको ध्यान से देखें, क्योंकि आपके चैप्टर के बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसको एक्चुअली जस्टिफाई करने के लिए, सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इन डिफिनीशंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहला आपका नंबर है ऑड नंबर। नेचुरल नंबर का क्या नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? तो पहला नंबर आता है आपका ऑड नंबर, फिर इवन नंबर्स, प्राइम्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम ड्यूप्लेट्स, प्राइम ट्रिप्लेट्स एंड परफेक्ट नंबर्स। तो ये कुछ फेमस आपके नंबर्स हैं, तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जो डिफिनेशन बताए जाएंगे वो सब इम्पोर्टेंट हैं और आपको बिल्कुल उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसमें जो भी डिफिनेशन नए तरीके से बताए जाएंगे वो सिर्फ नए तरीके से नहीं बताए जाएंगे, ऐसा नहीं है खाली नया तरीका बताने के लिए अपने तरीके को हम आपके ऊपर थोप रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप उन चीज़ों को जस्टिफाई भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये जो डिफिनेशंस हैं वो हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में बच्चन पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कुछ। एग्जांपल में जैसे कि आपका 1, 3, 5, ये जितने भी नंबर्स हैं आपके, 7, 9, 11, ये सब के सब क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो इनका सिंपल सा डिफिनेशन बताया बताया गया था बचपन में कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसके डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो आप इसके आप जब भी इसके ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हमेशा रिमाइंडर में 1 छोड़ेगा, यानी इसके रिमाइंडर में हमेशा क्या आएगा? आपका 1 आएगा। तो 5 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमेशा क्या आएगा आपका? 2, 2 जा 4 और 1 आएगा रिमाइंडर में। कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर आप ऑड नंबर हैं, अगर ऑड नंबर है वो और उसमें डिवाइड करोगे आप 2 से, तो हमेशा क्या आएगा आपका? 1 ही बचेगा। ओके, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे एग्जाम्पल देख करके कि 1 में 2 से डिवाइड करके कहाँ पे 1 आ रहा है। तो आप थोड़ा सा चेक करेंगे क्या इसको, कि 2 में 1 से डिवाइड करने पे 1 आता है क्या? तो बड़े कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर 1 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर कैसे आता है। तो कई लोग ये सोचेंगे, अरे भाई इसको डिवाइड करने के तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 और 2, 2, 5 या 10, ये कट गया, यानी रिमाइंडर तो बचा ही नहीं है, तो डेसिमल में हो गया। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें इसको डिवाइड नहीं करना है। हम डिवाइड करते हैं कुछ दूसरे तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि 2 का जो टेबल स्टार्ट होता है, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। 2 × 4 का मतलब 8, इस तरीके से टेबल आप क्रिएट करते चले जाते हैं आगे तक। लेकिन बचपन में आपको एक चीज़ और एक चीज़ नहीं बताई गई होगी जो कि आपको अब जान लेना है कि 2 × 1 2 होता है, तो 2 × 0 0 भी होता है। ओके, तो 2 0s are 0, ऐसा भी हो सकता है। अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 1 आएगा। ओके, तो 2 से देखो 1 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया आपका? 1 आ गया। इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल दे करके आपको ये लग गया होगा कि हम जब भी किसी ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आपका रिमाइंडर आता है। ओके, तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसको रीडिफाइन कर देते हैं कि नंबर्स विच लीव 1 एज रिमाइंडर, ऐसे नंबर जो 1 रिमाइंडर आता हो, नंबर्स विच लीव 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 2, ऐसे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आता हो, ऐसे नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑड नंबर का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का डिफिनेशन। तो इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नंबर्स विच लीव 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो था आपका ऑड नंबर का डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन आपका, इम्पोर्टेंट है
और मैं बता रहा हूँ क्लास टेंथ में जब आप लोग जाएंगे तो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उस क्वेश्चन में जब आपको एक्सप्लेन करना होता है तो आप इसी डिफिनेशन की हेल्प लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, अपना नेक्स्ट पार्ट का, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स भी पढ़ा होगा आपने। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिस जो टू से डिविजिबल होते हैं, जो टू से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवन नंबर्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो 2, 4 या फिर कोई भी नंबर ले लो आप, 20 ऐसे 28 कर लो आप, यहाँ बड़ा सा नंबर कुछ भी ले लो आप, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। इसमें 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपका? रिमाइंडर आएगा आपका 0। ओके, तो हम इस तरीके से रिडिफाइन कर सकते हैं आप इसको कि नंबर्स विच लीव 1, 0 एज रिमाइंडर, नंबर्स विच लीव 0 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स को भी आपने रिडिफाइन कर दिया कि ऐसे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवन नंबर बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो आपका जो पुराना डिफिनेशन था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार है, लेकिन आपको क्लास टेंथ में एक्सप्लेन करना है कुछ टॉपिक्स को, इसलिए ये वाली डिफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, तब जा करके आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इवन नंबर का डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि नंबर्स, ये नंबर्स हैं ठीक ना, नंबर्स विच लीव 0 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवन नंबर बोलेंगे। ओके, तो ये था आपका ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की बात। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये। तो अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, रटी रटाई चीज़ें होंगी, सब लोगों ने पढ़ा होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 इन इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वेरी गुड, ये अच्छा सा डिफिनेशन है आपका, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम याद तो होगा ही आपको, वैसे हम यहाँ पे कुछ और करने की, नया करने की कोशिश करेंगे ठीक है। और कुछ नया करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, और उसको जस्टिफाई करिएगा, बताइएगा कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? तो जितने लोगों ने इसको पढ़ा होगा आपको पता होगा कि बुक में हर जगह नीचे लिखा रहता है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि बुक में ये लिखा रहता है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं होता है? आप अगर 1 को ध्यान से देखें तो 1 अपने आप से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, फिर ये 1 आखिर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? ओके, तो इसके पीछे अब इसका जो जस्टिफिकेशन है वो देने के लिए हम अगर इसके डिफिनेशन पे गौर करें तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि जो अपने आप से कटे और 1 से कटे वो आपका प्राइम नंबर है। तो उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 भी क्या होगा? 1 तो 1 से कटेगा ही और अपने आप से कटेगा ही, तो ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो आखिर हम जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए हम प्राइम नंबर को भी दोबारा क्या करेंगे? रीडिफाइन कर देंगे, दूसरे तरीके से डिफाइन कर देंगे, और आप देखेंगे कि फिर आप आराम से इसको जस्टिफाई कर पाते हैं। तो प्राइम नंबर का जो डिफिनेशन होगा वो होगा कि नंबर्स Numbers having exactly two factors are called prime numbers। ठीक है, तो prime numbers क्या होते हैं? इसका redefine हमने किया है कि numbers having exactly two factors, ऐसे numbers जिनके exact two factors होते हैं। exact two factor का मतलब ना कम और ना ही ज़्यादा, तो exact two factor हों उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो prime number बोलेंगे। अब आप बताइए इस नए definition के अकॉर्डिंग क्या आप 1 को prime number कह सकते हैं? तो नए definition में कहा गया है कि इसके दो factor होने चाहिए, सिर्फ दो factor होने चाहिए, exact two factor, तो prime number होगा। अब आप 1 के factors को count करिए, तो 1 के कितने factors होते हैं? 1 का सिर्फ एक ही factor होता है और वो कौन सा है? 1। तो
अब बताओ कि क्या वन इस प्राइम नंबर के नए डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप अपने डिफिनेशन को मॉडिफाई करके आप अनसुलझे से लगने वाले क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वन जो होगा वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा इस नए वाले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जब हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बात चाहे आपके डिफिनेशन की ही क्यों ना हो, हमें उसमें मॉडिफाई कर देना चाहिए ताकि कुछ जस्टिफिकेशन अच्छे से दिया जा सके। ओके, अब प्राइम नंबर से एक और कहानी है, इसको भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। इस कहानी को भी प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, लेकिन एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नाम के एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने प्राइम नंबर्स को फाइंड प्राइम नंबर्स बहुत सारे इन्होंने रिसर्च किए थे और बहुत सारे थ्योरम्स भी दिए गए थे इनके द्वारा। तो इरेटोस्थनीज जो थे, इन्होंने प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका खोजा था। और उन्होंने क्या किया था, नंबर्स लिखे थे उन्होंने, 1 to 100 लिखा था, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को उन्होंने लिखा था। फिलहाल मैं उतना नहीं लिखूँगा यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ 10 तक या 11, 12 तक लिख सकता हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 13, 14, 15 ऐसा कुछ आगे तक। उन्होंने क्या किया था, प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए वन को सर्कल कर दिया था। उन्होंने वन को सर्कल किया था और कहा था कि वन को छोड़ दो। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको छोड़ करके उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबको कट कर दो। तो छोटा नंबर है आपका 2 के जो मल्टीपल होगा 4, कट कर दिया हमने, 6 को कट कर दिया, 8 को कट कर दिया, 10 को कट कर दिया, 12 को कट कर दिया, 14 को कट कर दिया, ऐसे करके 16, 18, 100 तक के जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको, उनमें जो भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वो कट कर दो। फिर 2 को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है 3 सबसे छोटा नंबर है, अब 3 के जितने ही मल्टीपल्स होंगे उनको कट करना है। 3 के आगे मल्टीपल बढ़ते चले जाते हैं, तो 3 का मल्टीपल होगा आपका 9, फिर होगा आपका 15, ये कट हो गया आपका। बिल्कुल ऐसे ही अब 5 का जो आपका होगा उसको कट करते चले जाते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा फिलहाल, आगे लिखेंगे तो मे बी और भी कटेंगे। तो अब कहा उन्होंने कि अब इसके अलावा जो बच जाता है, जो बच गया वो क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब देख लो, 2 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पे 17 भी आता, वो भी क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस मेथड को अप्लाई करने पे प्राइम नंबर्स क्या हो जाते हैं, छन करके बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को हमने नाम दिया था सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। सीव का मतलब होता है आटा चालने वाला, जो चलनी होती है वो। तो आटा चालने वाली चलनी में क्या होता है, हम कोई चीज़ डालते हैं तो कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मैंने कुछ जो चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर निकल जाते हैं, छन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सीव और इरेटोस्थनीज को जब हम नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, छन करके बाहर आ जाते हैं। अब इस कहानी को बताने का मेरा मोटिव ये था कि जब इरेटोस्थनीज ने ये मेथड निकाला था तो उन्होंने वन के ऊपर सर्कल कर दिया था और कहा था कि वन एक एक्सेप्शन है। उन्होंने वन को एक्सक्लूड कर दिया था विदाउट एनी रीजन, और बिना किसी रीजन के उन्होंने बस क्या किया था, वन को कहा था वन को छोड़ दो, बस छोड़ देना है। और वन को छोड़ने के पीछे वन प्राइम है कि नहीं है उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ना उस वक्त जस्टिफिकेशन था। तो अक्सर क्या होता है कि जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं होता। तो कहानी सुनाने का मतलब मेरा मोटिव ये था कि जब आप जस्टिफाई न कर पाए, जब आप किसी टॉपिक को, किसी अपने मेथड को जस्टिफाई न कर पाए तो हमें डिफिनीशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें डिफिनीशन को मॉडिफाई कर लेना चाहिए। अगर हम डिफिनीशन को मॉडिफाई कर लेते हैं तो बहुत सारे जस्टिफिकेशंस आ जाती हैं आसानी से। ठीक है, तो मॉडिफाई करना कभी कभी ज़रूरी भी होता है। तो ये था आपका प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स के पीछे एक छोटी सी कहानी थी और उसका एक रिडिफाइंड टर्म्स ये सब चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं आगे कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और इनके बारे में। ठीक है।